आपकी जितनी रेंज है उस हिसाब से हम बना के देंगे। आप कहोगे यार ये मेरा दरवाजा है इसमें आप 20,000 का शीशा लगा दो, हम बना के देंगे। आप कहो यार ये हमारा दरवाजा है इसमें 6,000 का शीशा बना के दो, हम आपको बना के देंगे। इसलिए रेट जो है ना हमारे काम के पार्टी की जेब के हिसाब से है, उनकी गुंजाइश के हिसाब। ये कट ग्लास भी है, डायमंड वॉल भी है, ठीक है, और इसके अंदर बेस जो है ये ब्लैक किया हुआ है। अगर कोई पार्टी रिक्वायर्ड करती है कि अगर उनका फर्नीचर ब्राउन है तो ये ब्राउन भी हो सकती है। पार्टी ने कहा यार ये वॉल क्या मेरे बेड पे बन सकती है, मैंने बिल्कुल उनके बेड के नीचे भी लगा के दिए, बेड के मैंने सराहने पे भी ये वॉल बना के दिए। शावर के वॉशरूम केबिन्स हम बनाते हैं, LED मिरर्स हम होलसेल बल्क क्वांटिटी पे बनाते हैं, घर में विंडोज के जितने भी इचिंग ग्लास हैं, डिजाइनिंग ग्लास हैं, कट ग्लास के हैं, हमारा टोटल अपना सेटअप है सारा। माशाल्लाह इस मार्केट में हमारे अपने वर्कशॉप हैं, अपनी शॉप्स हैं, अपना प्रॉपर डिजाइनिंग है, होलसेल प्राइस होंगे हमारी, इस चीज की गारंटी होगी पार्टी को कि ऑर्डर दे के 10 जगह रेट चेक करवा सकते हैं, फिर हमें काम कि हमें एडवांस देने के बाद अगर पार्टी को कहीं से रेट कम मिले हम डिपॉजिट रिटर्न करने के भी पाबंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं बोरा पीर की एक मार्केट में आया हूँ, गिलास मार्केट में। यहाँ पे माशाल्लाह गिलास का तकरीबन सारा ही काम होता है क्योंकि ये बहुत कदीमी मार्केट है और सबसे बड़ी कराची की मार्केट है। अब तो जगह जगह खैर छोटी छोटी शॉप्स और मार्केट्स ओपन हो गई, लेकिन आज भी जो है ना इसकी मिसाल कोई नहीं है क्योंकि ये मार्केट जो है ना सबसे बड़ी मार्केट है, सारे होलसेलर यहाँ बैठे हुए हैं। तो कट गिलास और जो फैंसी जो गिलास का वर्क हो रहा है ना आजकल, तो वो बड़ा इन है मार्केट में, मैंने देखा। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप एंड तक देखिएगा कि हम जानते हैं। अरसलान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरसलान भाई? ठीक ठाक है। अरसलान भाई बताएँगे ये सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हुई है, क्या कहलाते हैं, कौन कौन सी वैराइटीज़ होती है आपके पास? बस हमारे पास बेसिकली कट ग्लास का सारा काम होता है, ठीक है, और इचिंग वर्क का सारा काम होता है, डायमंड वॉल्स का हमारे पास काम होता है, ठीक है। डायमंड वॉल में किस तरह की भी कोई पार्टी हमें सैंपल्स दिखाएगी तो हम उसको एज पर रिक्वायर्ड बना सकते हैं। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेड ग्लास भी है, इसमें हमारे पास लोकल ग्लास भी है, जो क्वालिटीज पार्टी चाहेगी हमारे पास हर क्वालिटीज का काम होता है और हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और माशाल्लाह ये भाई बड़े बड़े बिल्डर्स के काम करते हैं, अल कपूर वाले हो गए, सैमा वाले हो गए, बैरिया टाउन में काफी प्रोजेक्ट इन्होंने माशाल्लाह काम कर चुके हैं। अभी कॉस्मिक बिल्डर का मैंने काम किया और माशाल्लाह ये है कि SS के हवाले से भी हमारा अपना काम है। अच्छा, ठीक हो गया, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट आपको दे पूरा प्रोजेक्ट मिलता है, हम आपको करके देंगे। हमारे माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जिनसे हम काम कराते हैं, वो हमें दे रेफर करते हैं, हम उनको ग्लास के हवाले से वो हमें दे देते हैं। और जैसे एल्युमिनियम का आता है तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको रेफर कर देता हूँ। एक चैन होती है हर काम की, सेटिंग्स होती है, तो इस तरह हम एक सेटिंग से मिले हैं। बिल्कुल, छोटे बड़े तमाम काम आप कर लेते हैं, बड़े हो छोटे हो, जैसे जाहिर बात है इस तरह के अगर काम है तो अगर किसी ने वॉल बनवानी है सिर्फ तो वो भी कर देंगे आप। और शावर के वॉशरूम केबिन्स हम बनाते हैं, LED मिरर्स हम होलसेल बल्क क्वांटिटी पे बनाते हैं, घर में विंडोज के जितने भी इचिंग ग्लास है, डिजाइनिंग ग्लास है, कट ग्लास के है, हमारा टोटल अपना सेटअप है सारा। माशाल्लाह इस मार्केट में हमारे अपने वर्कशॉप हैं, अपनी शॉप्स हैं, अपना प्रॉपर डिजाइनिंग है, कट ग्लास अपना है, कंप्लीट वर्क हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। माशाल्लाह, तो फिर प्राइस भी आपके माशाल्लाह 200 से कम ही होंगे, होलसेल प्राइस होंगे हमारी। इस चीज की गारंटी होगी पार्टी को कि ऑर्डर देके 10 जगह रेट चेक करवा सकते हैं, फिर हमें जबरदस्त, हमारा मकसद भी यही होता है। ये हम कहते हैं कि हमें एडवांस देने के बाद अगर पार्टी को कहीं से रेट कम मिले हम डिपॉजिट रिटर्न करने के भी पाबंद। जबरदस्त, ठीक है अरसलान भाई, फिर आप वैरायटीज जो है अपनी दिखाएं, क्या क्या वैरायटीज ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो सके। ये ब्लैक है डायमंड वॉल, इसका बेस जो है बेल्जियम का है और इस पे मिरर इम्पोर्टेड गोल्डन कलर का पेस्ट किया है हमने, ठीक है। और सेकंड ये आप देखें, ये इंशाल्लाह आपको क्वालिटी बहुत फाइन मिलेगी। ये भी बेल्जियम बेस पे काम हुआ हुआ है डायमंड वॉल का, ये भी हर तरह के हम इसमें काम करके देते हैं, इसमें लोकल मिरर्स भी होता है। ये हमने अपने डिस्प्ले के लिए जो है ना इम्पोर्टेड बेल्जियम का ही काम किया हुआ। इसमें आप फिनिशिंग देख लें, काम देख लें, ये हैंडवर्क होता है, ये प्लांट से होता है, ये मशीन से बेविल होती है, हैंडवर्क कटिंग होती है और उससे पहले प्लॉटर पे इसकी जो है ना डिजाइनिंग होती है। टोटल ये जो है मशीनरी के थ्रू काम करते हैं ताकि फिनिशिंग आया, हैंडवर्क अब जो है ना बहुत ज्यादा कम हो गया, ज्यादातर फिनिशिंग। इसके बाद ये सेकंड वॉल है, ये इसमें 3-in-1 काम है, ये कट ग्लास भी है, डायमंड वॉल भी है, ठीक है, और इसके अंदर बेस जो है ये ब्लैक किया हुआ है। अगर कोई पार्टी रिक्वायर्ड करती है कि अगर उनका फर्नीचर ब्राउन है तो ये ब्राउन भी हो सकती है। अच्छा, ये बोले कि हमारा फर्नीचर ब्लू है, ब्लू भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकते, ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड है। गोल्ड भी होती है, गोल्ड भी हो जाती है। फिर ये आप देखें, ये वॉल है ब्लॉक स्टाइल में,
ये हमने कॉपर ब्राउन में बनाया है, अगर पार्टी कहती है वाइट में बना दें, ग्रे ठीक में है। बना दें, ब्लू मिरर में बना दें, तो ये उसमें भी हम अच्छा अरसलान में इनकी क्वालिटीज भी होती होंगी, ऐसा भी होता बिल्कुल होगा इनकी बिल्कुल है, लाइफ कम बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। ये है कि जिसकी रिक्वायर्ड हो, अब जिसके पास क्वालिटी भाई बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी करनी है तो बेल्जियम में भी कर लें, बेल्जियम में भी फिर कर चाइना में कर लें, या तारिक में करवा लें, जो पार्टी रिक्वायर्ड करती है। ठीक हमारे है पास हर तरह की ठीक क्वालिटी का काम होता है, ये डिपेंड करता है कि पार्टी कितना उसको पे कर सकते, बिल्कुल बजट के हिसाब से बजट के ठीक हिसाब से होता है, इसमें हो गया। क्वालिटी का कुछ नहीं होता। ये अच्छा जिस देखो तरह हमने अपना एलईडी मिरर्स लगाया शॉप का नाम, ठीक है ना, ठीक ये है इसीलिए हमने करके लगाया, ये हमने तारीख में बनाया ताकि पार्टियों को पता चल सके कि हाँ जी तारीख में भी काम ये बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ये आप देखें, ये कट ग्लास की आयत बनी हुई है, माशाल्लाह जबरदस्त, ये सारे कट ग्लास का काम है, इसके बैक साइड पे एसिटेक्चर हुआ हुआ है। ठीक है, ये देखें ये मिरर बना हुआ है, ये बेस इसकी ब्लैक है इम्पोर्टेड पे, और इसके ऊपर कट ग्लास भी जो है ना वो गोल्डन के लगे हैं। अच्छा असलान भाई व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि प्राइस का आइडिया नहीं दे रहे, तो कुछ प्राइस का भी आइडिया देखिए देंगे, क्या हिसाब होता है इसका? प्राइस का आइडिया इस तरह होगा कि हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, ठीक क्योंकि है कॉन्टेक्ट पे आप हमसे कॉल करें और आपको इंशाल्लाह हम इसको जो कम से कम प्राइस होंगे देंगे, होलसेल प्राइस की हमारी आपको इंशाल्लाह अच्छा तो कुछ इनमें से अगर बताना जैसे कि चाहेंगे मिसाल के तौर पे स्क्वायर फीट देखें, के हिसाब ये से। वाला काम है, अगर आप इसको लोकल में बनवाते हैं तो फिटिंग के साथ ही हम 900 रुपये स्क्वायर फुट करके देंगे, फिटिंग के साथ ठीक है। होगा और फिर अगर तो इसको चाइना में लेके जाते हैं तो ये काम चाइना में 1,050 रुपये स्क्वायर फुट है। ठीक अच्छा है फिर एक बेल्जियम आता है, चाइना बेल्जियम, ठीक उसमें अगर आते हैं तो 1,300 रुपये स्क्वायर फुट है, ठीक वो है। बहुत अच्छी तो और फाइन मतलब ये क्वालिटी, कम से कम से लेके आप हाँ मैक्सिमम बता रहे मैक्सिमम तो है। और ये काम देखें, ये इम्पोर्टेड पे हुआ हुआ, ये 1,400 रुपये स्क्वायर फुट, 1,400 रुपये स्क्वायर फुट, ठीक है। इसमें अगर वॉल बड़ी होगी तो उसके हिसाब से भी हम कर लेंगे। फिर उसके बाद ये देखें काम आ जाता है कट ग्लास का, ये कट ग्लास है, ये कट ग्लास वर्क है। अच्छा इस काम का तरीके का ऐसा है कि पार्टी को हम पार्टी की सहूलत के हिसाब से काम करके देते हैं, कि जैसे सही पार्टी है। कहती है कि भाई मेरी रेंज है कि मुझे आप 2,000 रुपये का शीशा बना के दो, तो हम फिर पार्टी को इस तरह रेफर करते हैं कि जैसे देखिए इस ग्लास में ना 27 कट ग्लास लगे हैं। अच्छा ये कट ग्लास दें, ये पर कट ग्लास के पीस का हिसाब होता है 80 रुपये पर पीस होता है, ठीक हो गया। अब पार्टी कहती है यार मेरी रेंज ऐसी है कि आप मुझे एक शीशा 2,000 रुपये में रेडी करो, तो हम जैसे 27 कट ग्लास है उसकी जगह 15 कर देंगे, उनकी कॉस्ट में आ जाएगा। कोई पार्टी कहती है कि यार मेरी और रेंज कम है, ये देखिए आप इनको व्यूअर्स को दिखाएं, इसमें टोटल कट ग्लास हमने लगाए हैं 11, ये अगर इस साइज पे बनवाते तो तकरीबन ये कॉस्ट आती है 1,800 रुपये की, ठीक हो गया। ज्यादा से ज्यादा भी है, जैसे ये आप कट ग्लास देख रहे हैं इसमें 120 कट ग्लास है। अच्छा अच्छा हमारा काम जो है ना वो ऐसा नहीं है कि यार मेरी रेंज नहीं, आपकी जितनी रेंज है उस हिसाब से हम बना के देंगे। आप कहोगे यार ये मेरा दरवाजा है इसमें आप 20,000 का शीशा लगा दो, हम बना के देंगे। आप कहो यार ये हमारा दरवाजा है इसमें 6,000 का शीशा बना के दो, हम आपको बना के देंगे। इसलिए रेट जो है ना हमारे काम के पार्टी की जेब के हिसाब से, उनकी गुंजाइश के हिसाब से, ठीक हो गया। इनका आसान तरीका ये कि भाई इनका स्क्रीन पे नंबर जो है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें और अपनी जो रिक्वायरमेंट है इनको बता दें, ये आपको सही से गाइड कर देंगे। ये काम हुआ हुआ, इसमें कट ग्लास हमारे पास हर क्वालिटी के होंगे, ब्लू कलर में भी है, ग्रे कलर में भी है, ब्राउन कलर में भी है, ओशन ब्लू में भी है। ये नेम प्लेट्स ऑफिस की बनती है हमारी अपनी, हमने बनाई हुई है फ्लान ग्लास की, बिल्कुल ये 8 mm प्लेट पे बनती है, 12 mm ग्लास पे बनती है, 5 mm में भी बनती है, छोटी जो प्लेट्स होती है जी जी जी। इस टाइप पे देखें ये कट ग्लास के शीशे, काम तो जबरदस्त हुआ है असलान भाई माशाल्लाह। ये हमारा सेटअप है सारा ग्लास का, ये हमारे माशाल्लाह अपने वर्कशॉप है, अपने हमारे सेटअप में सारा हमारा अपना काम है। तो इंशाल्लाह पार्टी बायर जो भी हमारे पास आता है उसको सहूलत के हिसाब से काम मिलेगा, ठीक है। असलान भाई थोड़ा सा आपने जो काम किया उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह होंगे, हमें व्यूअर्स को आइडिया तो दें कि ये वॉल पे कैसा लगता है, क्या होता था, कि आपको दिखा सकता हूं उसको। ये देखें ये अभी मैंने एक पार्टी का बना के दिया था ग्लास, ये उन्होंने कहा कि यार ये वॉल थी, ये देखें ये वॉल है। अच्छा ये पार्टी ने कहा यार ये वॉल क्या मेरे बेड पे बन सकती है, मैंने बिल्कुल उनके बेड के नीचे भी लगा के दिए, बेड के मैंने सराहने पे भी वॉल बना के दिए। फिर उन्होंने कहा यार क्या ये मेरे बेड के बैक साइड पे बन सकती है वॉल, बिल्कुल मैंने कहा बन सकती है। ये देखें मैंने यही वॉल उनको उनके बेड के साइड पे भी लगा के दिए, जबरदस्त पूरा उनको एक ऐसा फर्नीचर कर दिया, बेड के साइड टेबल पे भी बना के दिया है, बेड के सराहने पे भी बना के दिया है। तो हमारा काम है हमें पता उसको एडजस्ट कैसे करना, बिल्कुल है। अब ये देखें जो आपको मैंने अभी ब्लैक वाली वॉल दिखाई थी उस वॉल का बड़ा पीस मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 फुट बाई 5 फुट में हमने बना के दिया। अच्छा। ठीक है ना, ये पार्टी ने हमसे बनवाया, फिर बिल्डिंग उन्होंने खुद इसके ऊपर ऐड करवा ली,
फिर इसी वॉल के अगर आप फुल साइज में बनवाते तो ये देखें, ये तकरीबन है 7 फुट बाई 25 फुट की। अच्छा हाँ, बिगिन साइज का होता है। इसका जो बेस होता है वो प्लेन ग्लास का होता है। अच्छा, उसके ऊपर हम ज्वाइंट करके लगाते हैं ग्लास को। फिर जो ऊपर से पट्टियां लगती हैं वो वन पीस में लगती हैं। लगने के बाद जॉइंट कम नजर आते हैं, आते भी हो तो इस शेप में आते हैं जैसे आप टाइल्स लगाते हैं। टाइल का जो जॉइंट में खूबसूरती आती है ना, वही खूबसूरती। अच्छा, ये काम जो एसएस में भी करवा सकते हैं, गोल्डन गिलास लगा, कोई कहता है मुझे गोल्डन एसएस लगवाना, ऐसा भी देखे। ऐसा है की ये देखें, ये एसएस का काम उन्होंने करवाया था, ये सारा एसएस का काम है। ये हमारे भाई हैं, हम उनसे करवा के दे देते हैं। ये एसएस का काम है, फिर ग्लास वर्क हम करते हैं। गुड हो गया, ठीक है ना। अब इसी में आप देखें, ये इनका फर्नीचर मैंने बनाया, ये इनकी अलमारी है। अलमारी के नीचे के पल्लों पे इन्होंने वो डायमंड वॉल की रिक्वायर्ड की थी, हमने वो कर दिया। ये इनके हैंडल्स भी हमने निकाल के दिए, इस टाइप का काम है। फिर उसके बाद आप अगर सेकंड देखते हैं पार्ट में, तो मैं आपको एलईडी मिरर्स दिखाता हूँ। हमारे पास ये एलईडी मिरर्स हर तरह के एस पर रिक्वायर्ड हम इसको बना के देते हैं, जो पार्टी हमें डिजाइन देती है। हमारे पास ये आजकल चल रहे टच सेंसर वाले। अच्छा, हमारे पास एक सेंसर में डीमर सेंसर भी है। लोगों के पास सिर्फ टच सेंसर होता है, हम एक बार पुश करेंगे तो आपका ग्लास चलेगा। उसको जब आप पुश दबा के रखेंगे, लाइट लो होते होते जीरो पर आ जाएगी। अच्छा, ये क्वालिटीज भी हमारे पास आपको मिलेंगी। ये डीमर सेंसर है, इसमें डीमर काम करता है। अच्छा, जैसे फैन लो हाई होता है, एलईडी लाइट भी होती है कि रात में लोग कहते हैं यार आंखों पे लग रही है, तो वो लो कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। ये क्वालिटीज भी है हमारे पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ के शावर केबिन पार्टियां बनवाती हैं। शावर केबिन के हमारे पास ये केबिन बनते हैं, ठीक है ना। इसमें फॉल्स डिजाइन भी होता है, इस टाइप के सारे हमारे पास इसमें वर्क होते हैं। फिर कट ग्लास का मैं आपको कुछ अपना काम दिखाता हूँ जो हमने बाहर के घर पे लगाया है। ये देखिएगा, ये कट ग्लास का हमने काम किया है। ये कट ग्लास का सारा हमने काम करके दिया है। ये पार्टी हमें जो भी पिक्चर देगी हम उसके हिसाब से भी कर देंगे, या वो हमें कहेंगे कि यार आप कुछ रेफर करें, क्या बेहतर हो सकता है, तो हमको ये रेफर करेंगे। बिल्कुल, आइडिया भी देते हैं। फिर हम उनको, हमारा एक पॉलिसी है, अगर आप हमें कुछ ऑर्डर देंगे हम सारा बना के नहीं आपके हाथ में रखेंगे, हम पीडीएफ की पहले आपको फाइल देंगे। अच्छा। आप उसको घर में चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार इसमें कुछ थोड़ी चेंजेस कर दें, चेंजिंग करेंगे। जब आप हमें गोहेड कर देंगे कि भाई ये हमारा गोहेड हो गया है, तो अब आप इस पे काम कर दें, फिर हम काम शुरू करेंगे, ताकि बाद में किसी किसी की प्रॉब्लम ना रहे कि यार ये क्या कहा था, क्या बन गया। बिल्कुल, क्योंकि हम पार्टी को एग्रीड करते हैं पहले, उसको तसल्ली करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं जो मेहनत है हम उसको कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं तो वो बेहतर हो जाएगी। ये सारा हमारा अपना वर्कशॉप पे बना हुआ काम है, जिसकी बेस आप देखें, ये सारी टेक्चर हुई हुई, ये सारा हमारा अपना हैंडवर्क का काम है, ठीक है। मैं भी आपको एक सैंपल फिजिकली भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये रखा हुआ है मेरे पास, इसकी बेस हमने टेक्चर करी है, कट ग्लासेस के क्लियर है। कुछ भाई हमारे ऐसे कहते हैं कि यार हमें पर्दा चाहिए, कि यार अंदर बाहर नजर नहीं आना चाहिए, तो हम पर्दे के लिए क्या करते हैं, इसकी लाइनिंग ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, और बेस जो है हम इसका पूरा मैट कर देते हैं कि बिल्कुल प्राइवेसी हो जाती है, 100% वो प्राइवेसी का काम हो जाता है, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन भी, अगर कोई भाई आके कहते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड है चार्ज करना, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑप्शन भी मशीन का। अच्छा, हम क्रेडिट कार्ड भी चार्ज कर लेते हैं। कोई विजिट पे बुलाना चाहे कि भाई मेरी ये जगह मैं दिखाना चाहता हूँ, आपसे एक मिसाल है, बात डन हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये काम कराएंगे, तो आप चले जाते हैं। छोटा सा एक हमारा प्रोसेस है, हम पार्टी को कहते हैं कि आप हमें 2500 रुपए दें विजिट चार्जेस के, ठीक है। हम विजिट चार्जेस के उनसे 2500 ऑनलाइन, अगर वो दूर है तो उनसे मंगवाते हैं, सही है। उसके बाद हम विजिट करते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ऑर्डर दिया 50,000, हम 50,000 रुपए में 2500 पहले लेस करते हैं। अच्छा, कि भाई अब आपके 47,500 बैलेंस है, ये 2500 जो विजिट था वो कट गया, वो भी हम चार्ज नहीं करते। कोई पार्टी कहती है कि यार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम अभी काम नहीं कराते, या हमारा काम डिले हो गया, तो हम कहते हैं भाई ये 2500 हम अपना वर्क चार्ज रख लेते हैं। कोई पार्टी ऐसी भी होती है वो 5,000 दे देती है, तो हम 2500 रिटर्न कर देते हैं। गुड, ठीक। और हमें 99% वही लोग बुलाते हैं कि यार हमें काम कराना है तो हम आपको बुला रहे हैं। हमें याद नहीं पड़ता कि हमने आज तक किसी को भी जो है ना चार्ज लेके हमने उससे पैसे रिटर्न किए हो, या उन्होंने हमसे पैसे रिटर्न लिए हो, क्योंकि हमें वही लोग बुलाते हैं जो जिनको काम कराना होता है। बिल्कुल। और हम उनको इंशाल्लाह इतना मुतमइन करके आते हैं, ये हमारी पॉलिसी है कि जब तक आप मुतमइन नहीं होंगे हम आपको बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह करें। और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बायर को हमने बहुत अच्छी तरह समझाया है, उन्होंने अपनी राय बदल के हमारे तौर पे काम कराया है,
और बाद में कहा है कि नहीं यार ये बहुत बेहतर है, ये बेहतर है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। अच्छा, हमारे लिए अगर कोई बाहर से ऑर्डर देना चाहता है, मिसाल के तौर पे अंदरूनी सिंध से देना चाहता है, मैं टंडो आजम में भी काम कर रहा हूँ, सखर पे भी काम कर रहा हूँ, वो हमें बाय ऑर्डर देते हैं, हम यहाँ से उनके ग्लास बना के हम बिल्टी करा देते हैं, शालीमार कोच में करा देते हैं, पेटी पैक करा के भिजवा देते हैं, वो फिर हमें पेमेंट फुल करा देते हैं, अपना माल वहां से डिलीवर ले लेते हैं, सेफली पहुंच जाता है, सेफली 100% पहुंचता है। उसका छोटा सा प्रोसेस होता है, ग्लास जो है ना वो पैक होता है लकड़ी की पेटियों के अंदर, वो सेफली पहुंचता है। ठीक, तो उसके पेटी के जो चार्जेस होते हैं वो हम उनको बता देते हैं। हमारा मेन बोरा पीर के अंदर ग्लास शॉप है, अठलान ग्लास के नाम से। कोई फ्रंट से अगर आता है ईदगाह वाली रोड से तो वहाँ भी हमारा डिस्प्ले सेंटर है, अंदर अगर कोई भूरी पकवान वाली गली से आता है वहाँ भी हमारा डिस्प्ले सेंटर है, बैक साइड पे हमारा अपना वर्कशॉप है, हमारा कारखाना है, माशाल्लाह यहाँ पे हमारा अपना सेटअप है, सारा काम हम करके देंगे, पार्टी की दिल तसल्ली और मुतमइनिंग के साथ करके। अच्छा, कोई विजिट करना चाहे तो टाइमिंग क्या चल रही है आपकी? टाइमिंग हमारी ऐसी है कि सुबह 11 बजे लड़के हमारे आते हैं, रात 8 बजे तक हमारे होते हैं, 11 से 8। और जो कांटेक्ट करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे तो ऑनलाइन कर ले, वो आप जब भी हो जब चाहे कर ले, वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं, जो भी होगा उनसे डिटेल। संडे तो ऑफ होती होगी? संडे हमारी मार्केट ऑफ होती है।